गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टेल यू अबाउट योर न्यू लेसन, लेसन नंबर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज और ऊर्जा संसाधन। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता दूँ। इस टॉपिक में हम फाइनली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आउटलाइन ऑफ द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मिनरल, अक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स, फेरस मिनरल्स, आयरन और मैगनीज, नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, कॉपर, बॉक्साइट, नॉन मेटालिक मिनरल्स में माइका, रॉक मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, समरी ऑफ द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने थ्रूली आपको इसलिए बताया है ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में पता लग जाए। उसके बाद में हमारा एनसीईआरटी जोन एक्सरसाइज व्हाटएवर मैप। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है हमारा मिनरल्स। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखेंगे मिनरल्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मिनरल्स खनिज जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। दे आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, ये दैनिक रूप से हमारे जीवन में प्रयोग होते हैं। ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मशीन्स, टूल्स, एग्रीकल्चरल मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स मेड फ्रॉम पेट्रोलियम मटेरियल्स, काउंटलेस सब्सटेंसेस मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड एट्सेट्रा। यानी कि इन सभी चीज़ों से जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जो वस्तुएं हैं वो हमारी इन सभी मिनरल्स से बनती हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी गॉट ओनली फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल इज़ द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए आधारभूत जो होता है वो होता है मिनरल्स। आयरन एंड कोल आर टू मिनरल्स विदाउट विच इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि लोहे और कोयले के बिना, यानी कि कोयला और लोहा भी खनिज है, कोयला जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, आयरन मेटेलिक मिनरल्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों खनिजों के बिना किसी भी उद्योग को स्थापित करना या किसी भी उद्योग को चलाया जाना संभव नहीं है। मिनरल्स हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन पावर टूल्स। मिनरल्स का एक बहुत ही पावरफुल टूल्स में यूज़ किया जाता है, बट ट्रेन, कार, एरोप्लेन, शिप्स एंड अदर व्हीकल्स इन मेड ऑफ मिनरल्स। ये सभी जो अभी ट्रेन, कार, एरोप्लेन, शिप्स, ये अदर मेटल से बनाए जाते हैं या और किसी मिनरल से बनाए जाते हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए हमें मेटेलिक मिनरल्स चाहिए होता है। वी ह्यूमंस ऑल्सो यूज मिनरल इन फूड। वी ह्यूमंस ऑल्सो यूज मिनरल्स इन फूड, हम अपने भोजन में भी मिनरल्स का प्रयोग करते हैं। ह्यूमन हैज़ यूज्ड मिनरल्स इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर हिज लाइवलीहुड, डेकोरेशन, फेस्टिवल्स, रिलीजियस रिचुअल्स एट्सेट्रा। यानी कि हमें हमारे मनुष्य के विकास में भी खनिजों का बहुत बड़ा योगदान है। इवन हम अपनी डेकोरेशन के लिए भी मिनरल्स का यूज़ करते हैं। ए ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स, यानी कि जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें भी हमारा मिनरल्स होते हैं। टूथपेस्ट क्लीन्स अवर टीथ। टूथपेस्ट क्या काम करता है, हमारे दांतों को साफ करता है। एब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग। फ्लोराइड विच इज़ यूज टू रिड्यूस कैविटीज कम फ्रॉम ए मिनरल फ्लोरेट। यानी कि हमारे जो दांतों को जो हमें चमकदार बनाता है वो सारे ये मिनरल्स मिल करके बनाते हैं। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड वाइट विद टाइटेनियम ऑक्साइड। कुछ
टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें टाइटेनियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, विच कम्स फ्रॉम मिनरल्स कोल्ड रटाइल एलमेंटाइन एंड एनिटेज। ये सारे मिनरल्स मिला करके हम टूथपेस्ट तैयार करते हैं। द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट, आपने देखा होगा कुछ टूथपेस्ट में स्पार्कल्स होते हैं, कम फ्रॉम माइका, वो कहाँ से आते हैं, माइका से आते हैं। द टूथ ब्रश एंड ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम पेट्रोलियम। ये सब हमारा कहाँ से आता है, पेट्रोलियम से आता है, प्लास्टिक पेट्रोलियम से, जिससे हमारे टूथब्रशेज बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फाइव मिनरल्स आर यूज्ड इन द लाइट बल्ब, वो कौन कौन से हमारे फाइव मिनरल्स हैं जो लाइट बल्ब बनाने में काम आते हैं। ग्लास, टंगस्टन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड डोलोमाइट। ओके स्टूडेंट्स, इनसे हमारा, इन सभी मिनरल्स से मिल करके हमारा क्या बनता है, एक बल्ब बनता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स, जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स हैं उन्हें भी मिनरल्स की आवश्यकता होती है। विदाउट मिनरल्स लाइफ कैन नॉट गो ऑन, बिना खनिज के जीवन नहीं चल सकता। ऑल्दो आवर मिनरल इनटेक रिप्रेजेंट्स ओनली ए परसेंटेज अबाउट 0.3 ऑफ आवर टोटल न्यूट्रिशियंस कंजम्पशन, येट दे आर सो इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल दैट विदाउट देम वी वुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज द अदर 99.7% ऑफ फूड स्टफ्स। यानी कि हमारा जो 0.3% है टोटल न्यूट्रिशंस कंजम्पशन होता है, वो हमारा मिनरल्स की वजह से होता है, जो हम 99% जो भी हम खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ईटेबल बिस्किट्स 100 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली इन क्वांटिटी। देखेंगे एग्जांपल दिया है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होती है 76.2 ग्राम होती है, प्रोटीन उसमें 8.7 ग्राम होता है, फैट उसमें 12.1 ग्राम होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे अब व्हाट इज़ मिनरल्स। थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड करके चलाऊँगा, बिकॉज टॉपिक हमारा काफ़ी बड़ा है और बुक भी काफ़ी बड़ी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट का मतलब जो लोग भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार, मिनरल इज़ ए नेचुरली अक्यूरिंग होमोजीनियस एलिमेंट विच हैज़ ए डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी कि हमारे पृथ्वी के अंदर जो निश्चित तौर पर एक जो निश्चित मात्रा में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स इज ए ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द हार्डेस्ट डायमंड टू सॉफ्टेस्ट टेल। जो हमारे अर्थ पे जो पाया जाता है जो डायमंड होता है, वो भी मिनरल्स होता है, वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होता है, और ये सबसे हार्ड होता है मिनरल। द रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय मिनरल्स, जो हमारी रॉक्स होती हैं वो भी मिनरल्स से डेवलप होती हैं या बनती हैं। सम रॉक्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन एंड सम रॉक्स आर मेड अप ऑफ मैनी मिनरल्स। कुछ जो रॉक्स हैं कुछ बहुत सी मिनरल्स से बनती हैं और कुछ केवल ही मिनरल्स से बनाई जाती हैं या बनती हैं। मैं मोर देन 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। इनमें से बहुत सारी रॉक्स को हम मिनरल्स के रूप में पहचान चुके हैं या पहचाना जा चुका है। मिनरल्स आर ए कंपाउंड फ्रॉम द सर्टेन एलिमेंट्स, मिनरल्स से हमारे लिए क्या होता है, सर्टेन कंपाउंड्स मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। दी फॉर्मेशन एट द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन इट इज़ ए रिजल्ट, जिसके कारण क्या होता है, ऑफ द फिज़िकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ द टाइम। जो रॉक्स से हमारी मिनरल्स बनते हैं वो हमारा केमिकल वेदरिंग्स भी उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन करता है।
ड्यू टू फिज़िकल एंड केमिकल कंडीशन, अभी मैंने आपको बताया ड्यू टू फिज़िकल एंड केमिकल कंडीशन मिनरल्स हैव वेरियस कलर्स, जो मिनरल्स के जो कलर्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, हार्डनेस, लस्टर, डेंसिटी एंड क्रिस्टल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स इज डन बाय जियोलॉजिस्ट बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषताओं के आधार पर जियोलॉजिस्ट ने मिनरल्स का विभाजन अपने स्तर से किया है। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट। जियोग्राफर्स स्टडी मिनरल्स एज ए पार्ट ऑफ दी अर्थ क्रस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोपोग्राफी, यानी जो हमारी भूगर्भ प्रॉपर्टी है उस पर पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं हम उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। जियोग्राफर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सिस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू मिनरल्स, बल्कि जो हमारे जियोग्राफर्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि जो अर्थ पे पाए जाने वाले मिनरल्स हैं उनसे हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरह से अंतर संबंधित होती है। बट जियोलॉजिस्ट आर अवेयर, परंतु जो जियोलॉजिस्ट हैं वो बहुत जागरूक हैं ऑफ टॉपिक रिलेटेड दी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिनरल्स, के किस तरह से मिनरल्स बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देयर एज एंड फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, इससे क्या पता चलता है कि कितनी टाइम में या किस तरह से कोई भी मिनरल्स बनता है। ओके स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सुनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और कल मैं आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी होमवर्क होगा, लाइटली होमवर्क हम इसका कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।